नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शोभित और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले थे। कल की वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि प्रेडिक्शन वीडियो बनाएंगे कि मैथ्स में क्या आ सकता है। यार देखो, मैथ्स में 50 क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो हमें टोटल कितने क्वेश्चन करने चाहिए, अगर हम 140 अटेम्प्ट करेंगे और 20-30 गलत है तो चल जाएगा। हाँ बिल्कुल चल जाएगा यार। देखो पहली बात तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 ही है माइनस में। और दूसरी बात यह है कि आप नेगेटिव कर ही क्यों रहे हो, आप तैयारी करके जाओ ताकि आपके पॉजिटिव ही हो। ज़्यादातर 200 में से 200 तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि मैथ्स में हमें 25 से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, अगर आपने पूरा 1 साल 2 साल ढंग से पढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी कोचिंग में हो या घर पे भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने ठीक से पढ़ाई करी है, तब तो आपको 11th 12th पूरी आती होगी। आप आराम से 40 क्वेश्चन तो मैथ्स में ही कर पाओगे। मैंने ये लास्ट टाइम जो प्रेडिक्शन डाला था उसमें मैंने बताया था कि 2023 में, अच्छा बहुत लोग इस पे भी बहुत क्वेश्चंस फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको कैसे पता ये पेपर आया था, आपको कैसे पता वो पेपर आया था, फालतू की बकवास कर रहे हैं, लोगों को फालतू में बरगलाने वाले काम जो होते हैं वो कर रहे हैं। देखो यार, RTI अगर आप डालोगे ना तो IMU वो पेपर निकाल करके देती है, लेकिन RTI किसी जेन्युइन स्टूडेंट की होनी चाहिए। कोई भी RTI डालेगा तो नहीं निकाल करके देते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट अगर RTI डालेगा तो उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पूछते हैं क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और उस थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 महीने का टाइम लग जाता है आराम से। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम कैसे माने तुम्हारे पास पेपर है। भाई मत मानो, ठीक है, कुछ दिन के लिए मत मानो, 1 महीने के लिए मत मानो, 1 महीने के बाद जब तुम्हें यही सेम चीज़ मिलेगी और तुमसे नहीं हो पाएगी तब मान लेना, या फिर मान लो, या फिर ज्यादा ही जानना चाहते हो तो सेंटर पे आ जाओ और आकर के देख लो, और पेपर में ग्रुप पे ऐसे शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें तो ये हो गई। अब आ जाते हैं मैथ्स के पेपर पे, जो प्रेडिक्शन में बोल रहा हूँ। देखो मैथ्स के पेपर में एक एक टॉपिक है 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर, जिससे 6 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, और मतलब 23 की बात कर रहा हूँ, और 22 में भी 4 क्वेश्चन आए थे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन लोगों को बहुत पसंद है। कुछ नहीं भी आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन तब भी आएंगे, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक से क्वेश्चन होते ही होते हैं। पहले 1-2 बार बाइनोमियल और PNC के भी आए हैं, क्वाड्रेटिक के भी आए हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटिक के अलावा भी कुछ, जैसे जो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप उनको क्वाड्रेटिक की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो, तो क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन आए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज के भी आते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मुझे कोई पूछेगा कि 11th में भैया मुझे ये बता दो कि कौन सी चीज़ें मैं पढ़ लूँ, या सर मुझे बता दो कौन सी चीज़ें मैं पढ़ लूँ, मैं बोलूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर पढ़ लो, और अगर आपके पास टाइम है तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिलहाल अभी उसको छोड़ते, कम से कम 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-3 साल से आ ही रहे। अब देखो यहां पे हुआ क्या है, इसके बाद नीचे वाले पार्ट में देखो, रिलेशन फंक्शन के 5 क्वेश्चन थे और ITF के 4, तो 9 क्वेश्चन तो यही हो गए, और एक कॉन्टिन्यूटी का है तो 10वां क्वेश्चन। मतलब जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो पहले 3-4 टॉपिक, उनमें से भी 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अच्छा ये लास्ट ईयर की कंडीशन है, लास्ट टू लास्ट ईयर का भी अगर मैं ऐसे प्रेडिक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तो पूछते हैं। मतलब रिलेशन फंक्शन और ITF पढ़ के जाओगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। डिफरेंशिएशन जरूरी ही है, पढ़ना जरूरी है, इसको छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होता है। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आप उसको डिफरेंशिएशन का भी मान सकते हो। एक सेपरेटली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का, तो वो तो है ही है। AOD छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे। एरिया अंडर द कर्व भी करके जाना, क्योंकि एक आध बार वो भी पूछा गया है। इंटीग्रल कैलकुलस से मैं हर बार बोलता हूं 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस आती है प्लस डिफरेंशिएशन आता है, 10-12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो आप खुद सोच के देखो ना, 10-12 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 17 हो गए, 3-4 क्वेश्चन मैंने बता दिए कॉम्प्लेक्स नंबर से, 21 हो गए। वेक्टर एंड 3D से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, दोनों टॉपिक मिला करके। लास्ट ईयर केवल वेक्टर के आए थे, लास्ट टू लास्ट ईयर भी वेक्टर के ज़्यादा थे, 3D के बहुत कम थे, ठीक है। तो वेक्टर का अगर आप पढ़ करके जाओगे, वेक्टर और 3D, तो 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के 6 क्वेश्चन थे, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार होते हैं। इस बार 6 थे लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन हर बार होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के 3 क्वेश्चन थे लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन हर बार होता है। लॉजिकल स्टेटमेंट का 1 क्वेश्चन हर बार होता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के कम से कम 3 क्वेश्चन हर बार होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ जो ये लिस्ट लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की ही लिस्ट है।
इनमें से अगर आप कोई मुझे बोलोगे कि सर मैं कौन सा वाला छोड़ दूं, मैं बोलूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव छोड़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है तो कॉनिक सेक्शन छोड़ सकते हो, अगर टाइम है तो स्ट्रेट लाइन सर्कल और कॉनिक्स पूरा पढ़ के जाओ। अगर आप ये टॉपिक्स पढ़ करके जा रहे हो तो ये टॉपिक एक्चुअल में आपको 50 में से 30 क्वेश्चन तक तो बहुत आराम से पहुंचा देंगे। मैंने पूरी कैलकुलेशन बना रखी है कि इतने टॉपिक अगर आप कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इनका फॉर्मूला बुक बना लो भाई, सभी बच्चे इसका फॉर्मूला बुक बना लो। मैंने फॉर्मूला बुक के लिए भी एक वीडियो बनाया था कि किसी को अगर फ्री में फॉर्मूला बुक चाहिए हो तो आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, तब लोग ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है। मैंने मैथ्स का फॉर्मूला बुक बनाया था, अगर आप लोगों को भी फॉर्मूला बुक चाहिए होगा तो सब्सक्राइब कर देना फटाक से और उसका एक स्क्रीन शॉट भेज देना 9140 वाले नंबर पर, तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बुक हम आप सभी लोगों को उसका PDF शेयर करवा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपके साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा देखो 12,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये जो PYQs हैं इनका पेपर सॉल्व करवा दो। मैं डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगा यार, मैथ्स का पेपर मैं जल्दी ही सॉल्व करवाऊंगा, 1-2 दिन के अंदर हो सकता है मैं मैथ्स का पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा दूं और एक एक करके सारे पेपर सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन मेरा सजेशन यार ये है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल पे आकर के इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो एक सब्सक्राइब कर दो, पैसे तो तुम्हारे जाने वाले हैं नहीं। हमारे लिए थोड़ा सा क्या है कि वो जब आप सब्सक्राइब कर देते हो या वीडियो शेयर कर देते हो या लाइक कर देते हो तो थोड़े व्यूअर्स आते हैं हमारे पास और ज़्यादा देखने के लिए, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, इनमें से क्या छोड़ सकते हो क्या नहीं छोड़ सकते हो वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी लिमिट छोड़ना हो तो वो भी छोड़ देना, इतना भी आप छोड़ सकते हो, बाकी सारे के सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाओ। एंड विद दिस इन्फॉर्मेशन शोभित साइनिंग ऑफ, ऑल द बेस्ट गाइस। कुछ और डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ओके।